अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के माहौलियाती आलूदगी के बारे में। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी का जो है शिकार हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। लोगों को रहने के लिए कोई अच्छी कॉलोनी या कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से लोगों के जो घर के अंदर और घर के बाहर दोनों साइड पे पोल्यूशन मौजूद है। ज़्यादा आबादी होने की वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम, ठीक है, फेफड़ों की प्रॉब्लम, टीबी, और ये ज़्यादा घर के अफराद होने की वजह से हेपेटाइटिस अगर एक को होता है तो वो सबको ही होते जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का 60% रकबा जो है वो देहात के ऊपर मुश्तमिल है। हम सब पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने मुल्क में प्लांटिंग करें। प्लांटिंग करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। हमें अपने बच्चों के रिजर्वेशन के लिए ये सारी चीज़ें रखना ज़रूरी है। अगर हम आज उनका नहीं सोचते तो यकीन माने पाकिस्तान ज़रई लिहाज से दुनिया के बहुत से ममालिक से पीछे चला जाएगा, क्योंकि हमने आज हमारी टोटल ट्रेड हमारे ज़रई अजनास के ऊपर है। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एरिया भी है लेकिन इसमें ज़्यादातर ज़रई अजनास का हाथ है। इस वक्त पाकिस्तान आम, चावल और सेब के मामले में जो है वो ट्रेड के मामले में दुनिया में बेहतरीन ममालिक में गिना जाता है। अगर ये सारे इन्वायरमेंट जो हमने कैमरा आपको दिखा रहा है, तो अगर इस तरह के हर कॉलोनी या गली मोहल्लों में इस तरह के व्यूज़ आना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल से आधी बीमारियां तो वैसे ही कम हो जाएं जो हमारे इस मुल्क में इस वक्त पाई जा रही हैं। हमारे पार्क देखें वीरान हैं और हमारे हॉस्पिटल आबाद हैं। इसकी मेन रीज़न क्या है? लोग आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनरी को छोड़ रहे हैं और मेडिसिन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई गैर महज़ब समझ लें कि तरीका है। और इंसान को अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए मेडिसिन नहीं, इंसान को अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए खुराक की अच्छी ज़रूरत होती है। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो प्लांटिंग कर रहे हैं, जो कॉलोनियाँ वगैरह बना रहे हैं, कम से कम इस तरह का एक अच्छा सा बेहतरीन व्यू वाला पार्क जो है वो होना चाहिए हमारे पास हर कॉलोनी के लिए, क्योंकि इतनी इतने बड़े बजट और इतने इतने बड़े रेट के ऊपर हम लोग जो है वो तैयार कर रहे हैं कॉलोनीज़। तो कम से कम इतना तो हक बनता है कि एक कॉलोनी के पास एक कब्रिस्तान और एक इस तरह का पार्क होना चाहिए। तो आई होप आप सब दोस्तों के लिए भी ये जो मेरा मशवरा है आपको अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरी तमाम जितने भी कॉलोनी बनाने वाले दोस्त हैं, जितने भी बिल्डर हजरात हैं, उनसे गुजारिश है कि आप सब ये चीज़ें देख सकते हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद।